आगे बढ़ते हैं स्पीड न्यूज की ओर, रुख करेंगे ड्रैगन के बाद भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के पैर पसरने शुरू हो गए हैं। भारत में शुरू हुई कोरोना की चौथी लहर, गुजरात में दर्ज हुआ एक्स्यू वेरिएंट का मामला, केंद्र सरकार हुई अलर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र अलर्ट, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम राज्यों को लिखा पत्र, कोविड 19 मामलों में वृद्धि पर सख्त निगरानी बनाए रखने के दिए निर्देश। पाकिस्तान में संसद की कार्यवाही के दौरान इमरान खान के मंत्री कुरैशी और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ आपस में भिड़ गए। इस दौरान विपक्ष ने इमरान खान पर जमकर निशाना साधा, साथ ही इमरान की पार्टी के सांसद ने कहा हम मुकाबले के लिए तैयार। पाकिस्तान खान पर बरसी मरियम शरीफ, भारत इतना पसंद है तो वहीं चले जाएं। इंडिया की तारीफ करने पर इमरान पर भड़की मरियम शरीफ। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, जेलेंस्की की गुगाहार पर स्लोवाकिया ने बढ़ाए मदद के हाथ, यूक्रेन को भेजा है S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, यूक्रेन की बहादुरी देख मदद करना बताया फर्ज। क्रामातोरस्क हमले में 52 लोगों की मौत, हमले से यूक्रेन के राष्ट्रपति का हुआ पारा हाई, पुतिन को दी खुली चुनौती, का हमले की जवाबदेही तय होगी। प्रियंका चोपड़ा के वर्ल्ड लीडर से अपील, यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए मांगी मदद, वीडियो शेयर कर रूस यूक्रेन जंग पर जताई चिंता, यूक्रेन में नागरिकों और बच्चों की हालात पर भी जताया दुख। भारत के खिलाफ बोला अमेरिका सांसद, मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी नीति रखने का लगाया आरोप, बाइडेन के मंत्री ने दिया जवाब, कहा हम उन देशों में मानवाधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हैं जहां की सरकार के साथ हमारे कई अन्य एजेंडे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर दोहरी मार, अब भारत में बेटा तलहा भी आतंकी घोषित, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भेजा नोटिफिकेशन। श्रीलंका में महंगाई का हाहाकार, ज्यादा दामों में बिक रही रसोई सामग्री ने बिगाड़ा घर का बजट, 2750 LKR की रसोई गैस तो 3583 की हुई हल्दी। यूपी में MLC चुनाव का शोर, सीएम योगी ने गोरखपुर में डाला वोट, योगी ने कहा यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, माफिया से 2500 करोड़ की संपत्ति कराई मुक्त। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का बड़ा फैसला, तलाकशुदा बेटियों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की होगी हकदार। पुलिस महकमे को लेकर भगवंत मान का एक्शन, 3 बड़े शहरों के कमिश्नर का किया फेरबदल, अरुणपाल सिंह बने अमृतसर के कमिश्नर तो कौस्तुभ शर्मा लुधियाना के और गुरप्रीत सिंह तूर जालंधर के नए पुलिस कमिश्नर। शिक्षा को लेकर पंजाब की आपका बड़ा फैसला, फीस बढ़ाने पर लगाई पाबंदी, मान के आदेश पर 419 स्कूलों की होगी जांच। SGPC ने ठुकराया सीएम मान का गुरबाणी प्रसारण का प्रस्ताव, कहा सरकार धार्मिक मामलों में दखल ना दे, गुरुद्वारा कमेटी के पास पैसों की कमी नहीं, चैनल खुद चलाने में सक्षम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार, पीएम मोदी के 2 साल पुराने भाषण को किया ट्वीट, कहा शेखावत ने राजस्थान में आकर असत्य बोला, प्रधानमंत्री के वादे का खंडन करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल में आप पार्टी को झटका, पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने छोड़ा आप पार्टी का दामन, प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी समेत 3 नेता बीजेपी में शामिल, जेपी नड्डा के आवास पर नेताओं ने भाजपा का सफर शुरू किया। गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की एग्जीक्यूटिव की बैठक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन सत्र को किया संबोधित, कहा भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का पक्षधर। महंत के बयान पर भड़की कांग्रेस की राजनीति, महंत के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया पलटवार, कहा ऐसे ठग मेरे विश्वास का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। करौली में कर्फ्यू का 8वां दिन, सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील, सभी प्रकार की दुकानें खुलने से लोगों को थोड़ी राहत। मुर्तजा अब्बासी केस में आया नया मोड़, NIA की 3 सदस्यीय टीम करेगी आरोपी से पूछताछ, केंद्रीय गृह मंत्रालय को टीम सौंपेगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर कमांडर निसार डार को किया ढेर। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैंक मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार, लॉकर इंचार्ज की तलाश में पुलिस। भीषण गर्मी ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, राजधानी दिल्ली की गर्मी ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड, राजधानी के कई इलाकों में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। आज मनाया जा रहा है दुर्गा अष्टमी का पर्व, मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना, कन्या पूजन का भी विशेष महत्व। सीकर के फतेहपुर में रामनवमी के पर्व को लेकर प्रशासन ने गणमान्य नागरिकों की बैठक ली, इस दौरान भगवा रैली के आयोजनकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की, इस दौरान अधिकारियों ने गन्ने के जूस वालों के चालान काटकर 2500 रुपए वसूले।
नागौर के रियाबड़ी में पंचायत समिति और स्थापना स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुआ। इस दौरान विकास अधिकारी भागीरथ सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मेड़ता सिटी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भर्ती पिटारे खोलते ही कोचिंग संस्थानों पर युवाओं की भीड़ लगना शुरू हो गई। छात्र छात्रा रेट सहित कई तरह की परीक्षाओं की तैयारी करने कोचिंग पहुंच रहे हैं। नागौर के सुरपुरा में पिता पुत्र पर हमले करने से मामले में पुलिस ने दो आरोपी गिरफ्तार किए। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई। नागौर में मेड़ता सिटी के बालाजी मंदिर से गौशाला जाने वाली सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रियाबड़ी के तहसील कार्यालय में तहसीलदार रामकिशोर के लिए विदाई समारोह का आयोजन। इस दौरान एसडीएम अधिकारी गौरीशंकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीडवाना के सरस्वत वाटिका में आयोजित भागवत कथा के तीसरे दिन संत ने सती चरित्र और अजामिल मोक्ष की कथा का वाचन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजसमंद में गोमादा में बकरियां चढ़ाकर घर लौट रहे युवक पर पैंथर ने हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल युवक को सीएचसी में भर्ती करवाया। राजसमंद में तंबाकू को ना थीम को लेकर विशेष अभियान शुरू हुआ है। इस दौरान तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देने के लिए रैलियों का आयोजन किया गया। झालरा पाटन में रुद्र सेना ने क्रांतिकारी मंगल पांडे का बलिदान दिवस मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में नेमी चंदू साध और रुद्र सेना के जिला प्रभारी मुकेश गौड़ विशिष्ट अतिथि रहे। बस्सी के चावंटिया में चोरों ने गिरिराज धरण मंदिर को निशाना बनाया और 500 ग्राम चांदी का छत्र सहित दान पात्र की नकदी चुरा कर ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर के लोहावट में रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम और सीओ पारस सोनी ने रैली में अनुशासन बनाए रखने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जैसलमेर के खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मशीनें और ट्रक जब्त किए गए। झालावाड़ में अवैध जुआ सट्टे की रोकथाम को लेकर पनबाड़ पुलिस ने तीनों जनों को गिरफ्तार किया है। 11 मोबाइल फोन एलईडी और 1300 रुपए नकदी जब्त किए गए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में देर रात अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। कोटा में दुर्गाष्टमी पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को तिलक लगाकर रजिस्टर और कॉपियों का वितरण किया गया। जोधपुर में रामनवमी पर महादेव मंदिर परिसर में भगवा रैली का शुभारंभ किया जाएगा। शोभा यात्रा का संत ध्यानाराम महाराज ने पोस्टर विमोचन किया। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में रामनवमी के अवसर पर रामोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर एसडीएम ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं। देसूरी के अंबे माता गुफा मंदिर और संतोषी माता मंदिर में 3 दिवसीय भजन संध्या का शुभारंभ हुआ। पहले दिन भजन संध्या के साथ गरबा नृत्य का भी आयोजन किया गया। सिरोही में प्रशासन ने त्योहार के महीने को लेकर कमर कस ली है। इस दौरान प्रशासन ने जिला मुख्यालय पर रूट मार्च निकाला, आमजन को शांति बनाए रखने का संदेश दिया। चौमू में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। दौसा में धार्मिक त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर। इस मौके पर प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी निकाला, आम जनता को शांति सद्भाव और सख्ती का संदेश दिया गया। मेड़ता सिटी में बाल संरक्षण आयोग के जिला अध्यक्ष मनोज सोनी चोरों का निशाना बन गए। मौके पर बदमाश मनोज के घर से 5000 रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए। सूचना से पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजसमंद में नमाना गांव के चारागाह जमीन पर अचानक आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंचे। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चलिए ब्रेक के बाद रुक करेंगे पाली का, जहां विश्व बंजारा दिवस के पर्व पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बंजारा समाज के युवाओं ने 402 यूनिट रक्तदान किया। अलवर के भुटियाना में मेट ने जेएन और विकास अधिकारियों पर ब्लैक लिस्ट करने का आरोप लगाया। जिला परिषद अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच कराने की मांग की गई। अलवर के बड़ौदा में बेकाबू होने के कारण टेम्पो सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। अलवर में स्कूल बच्चों से भारी वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान वैन चालक ने हिम्मत दिखाते हुए बच्चों को सुरक्षा के साथ बाहर निकाला, अपने दम पर आग बुझाई।
अलवर में जलदाय विभाग पर नगर पार्षदों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर पार्षदों ने वार्ड नंबर 21-25 में लंबे समय से पेयजल समस्या में विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया। अलवर में एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा देने की मांग की। पाली में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान त्योहारों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। सीकर में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रामनवमी के पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा का निरीक्षण किया। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाने के भी निर्देश दिए गए। करौली के हिंडौन में शांति व्यवस्था के लिए सीएलजी और सर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की। ब्यावर में पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख का जुर्माने से दंडित किया गया।